हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, क्लास सेवन NCERT साइंस, मोशन एंड टाइम। अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, सोल्जर्स इन मार्च पास्ट, बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, पैडल of a bicycle in motion, motion of the earth around the sun, periodic motion example, hands of an athlete in a race, motion of a swing, motion of a pendulum। मोशन एंड टाइम क्लास सेवन NCERT बुक। हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ पढ़ा है कि कुछ कुछ तरह के मोशन होते हैं। अगर याद नहीं है तो चलिए उसको रिकॉल करते हैं। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई सोल्जर एक स्ट्रेट लाइन में मार्च पास्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बैलगाड़ी एक सीधी रास्ता पे जा रही है, नहीं स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम देखते हैं कि कोई एथलीट जो है रेस कर रहा है, दौड़ रहा है, तो एथलीट कैसे दौड़ता है, ऐसे 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 दौड़ता है ना, तो उसका हाथ जो है ऐसे 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 ऐसे, तो उसका हाथ जो है पूरा नहीं घूमता है, हाथ जो है एक पॉइंट तक जाता है, फिर उस पॉइंट से वापस, फिर लास्ट पॉइंट तक आता है, और फिर लास्ट पॉइंट से फिर फर्स्ट पॉइंट तक आता है। तो एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में उसका हाथ जो है झूलते रहता है, स्विंग करता है। तो इस तरह की स्विंगिंग जो चीज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे घड़ी है तो घड़ी का पेंडुलम है, पेंडुलम टिक 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 करता है, तो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, फिर एक पॉइंट के बाद फिर वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है। तो इस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। बच्चा में हम लोग झूला भी झूले हैं, झूला झूलते हैं तो पूरा नहीं जाते हैं, तो इतना जा रहे हैं फिर उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं, तो एक समय के बाद उसी चीज को फिर वो कवर कर रहा है। तो इस तरह का जो भी स्विंगिंग मोशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी कितना क्रिकेट खेलता है, बैट लेता है तो मारता है ऐसे तो बैट, ठीक है, और बैट क्या पूरा घुमा देता है, नहीं, तो बैट जो है ऐसे मारा छक्का और बैट जो है वापस आ गया। तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन जो है सर्कुलर मोशन कब बन जाएगा, जब कोई ऐसा मोशन जो पूरा चक्कर काट देगा तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक नहीं बोलेंगे। जैसे घड़ी का पेंडुलम पीरियोडिक मोशन, और घड़ी का जो काटा है, मिनट का काटा है या घंटा का काटा, आवर्स का जो हैंड है वो पूरा चक्कर काट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है तो पृथ्वी जो है सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन। ओके, स्लो और फास्ट, सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। तो मोशन समझ गए हम लोग कि मोशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। तो मोशन में आगे आप क्या समझना है कि मोशन जो है फास्ट है कि स्लो है, मोशन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जैसे एरोप्लेन है, कलकत्ता से बॉम्बे 2 घंटा में जूप, और वही अगर हम पैडल रिक्शा पे जाएंगे तो टुकुर 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 5 दिन 10 दिन कुछ भी लग सकता है। तो इस दोनों के एग्जाम्पल से हम क्या समझ गए कि मोशन स्लो होता है कि फास्ट होता है। ठीक है, तो
ये हम लोग अब समझ गए कि मोशन स्लो होता है कि फास्ट होता है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि कैसे पता चलेगा कि मोशन स्लो है कि फास्ट है, तो इसका पता चलेगा स्पीड से। तो हम लोग देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, पहले समझे कि मोशन कितने तरह का होता है, मोशन स्लो होता है कि फास्ट होता है, और मोशन जो है स्लो होता है कि फास्ट होता है वो कैसे पता चलेगा, स्पीड से। ओके।